लिखो जी एनर्जी, अगला टॉपिक है एनर्जी। इसमें एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। लिखो जी एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे जी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। समझ आया जी? 9th में पढ़ा होगा कि पहले भी पढ़ा हो सकता है ना जी? एनर्जी डेफिनेशन तो बहुत पुराना टॉपिक है। यूनिट्स क्या है जी एनर्जी की? जूल्स। ऐसा यूनिट इसकी क्या है जी? जूल्स है। टीजीएस यूनिट क्या है जी? अर्ग्स। डायमेंशन है M1 L1 T-2। M1 L1 T-2 M1 L2 है। वर्क की भी सेम थी। न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं यूनिट। हाँ जी, ऐसा यूनिट जूल, और उसको हम क्या बोलते हैं जी? न्यूटन मीटर। टीजीएस यूनिट अर्ग्स। ठीक है जी, कोई डाउट? टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वैसे एनर्जी बहुत टाइप की है, उसमें से एक मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, ठीक है जी, विंड एनर्जी, बहुत सारी टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक है जी, उसमें से हम पहले पढ़ेंगे जी मैकेनिकल एनर्जी। देखो जी, मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप है। नंबर वन काइनेटिक एनर्जी। नंबर वन काइनेटिक एनर्जी, नंबर टू पोटेंशियल एनर्जी। नंबर टू पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, लिखो जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। मोशन के कारण से जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं जी? काइनेटिक एनर्जी। बंदे कम लगे, शिवानी जी भी नहीं आए है ना जी? और हाँ जी, नेक्स्ट है जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ये नेक्स्ट टॉपिक है, पहले किनेटिक एनर्जी को ही कवर अप करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, किनेटिक एनर्जी समझ आया जी? एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। इसकी डेरिवेशन है जी, देखो जी फटाफट। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ड्राइव करके दिखाएंगे जी इसको फटाफट। कैलकुलस मेथड से ध्यान से समझना, ये सिंपल मेथड है, ये भी करना तो है। एक बॉडी है, कंसीडर, लिख लो जी किनेटिक एनर्जी में, लिखो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम।
जी अभी भाई क्या करें क्या ऐसे जीरो करें। पोटेंशियल एनर्जी को पूछ सकते हो, बता सकते हैं एक टाइप से स्टोर एनर्जी होती है, वो हाँ वो तो एक टाइप से स्टोर्ड एनर्जी होती है। पढ़ बता दीजिए लिया। थोड़ा बहुत ही तो 9th का पेपर। क्या बात है भाई, कोरोना के बाद पहली बार ऐसे सुनने में मुझे 9th का कुछ याद है किसी। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी? अब देखो, पोटेंशियली काइनेटिक एनर्जी में कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम एट रेस्ट फुल स्टॉप। हाँ जी, कौन से टेस्ट लेना है? थर्ड। हाँ जी, देखो जी, कहाँ तक लिखा है? एट रेस्ट रेस्ट फुल स्टॉप। कैपिटल एफ इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। कैपिटल एफ इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी गेन्स वेलोसिटी वी आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंसेस। बॉडी गेन वेलोसिटी वी आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस एस। ठीक है जी, वेलोसिटी वी गेन कर ली आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस एस। देखो जी, नेक्स्ट लिखो। वर्क डन क्या होता है जी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिख सकते हैं जी? एम ए। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो पता है जी, जिनका फिफ्थ चैप्टर नहीं हुआ उन 9th में ये तो पढ़ा होगा, फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ भाई, अभी भाई पढ़ा है। तो वर्क डन क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। डन है जी। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जी। कैसे निकलेगी जी? क्या क्या पता है? यू पता है, वी पता है, एस पता है। तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है भाई? टू ए एस। तो ए क्या हो जाएगा भाई? वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाय टू एस। यही बनेगा जी। ऊपर वाले फार्मूले में पुट कर दूं। वर्क डन क्या हो गया जी? एम इन टू वी स्केयर माइनस यू स्क्वायर बाय टू एस इंटू एस। एस से एस कैंसिल। डब्ल्यू क्या आ जाएगा? यू जीरो है, यू तो जीरो है, तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया जी। और यही वर्क डन क्या हो गया जी? कैनेटिक। यही वर्क डन क्या आ गया जी? कैनेटिक। डन जी, कोई डाउट? सेकंड मेथड है कैलकुलस मेथड। ये सिंपल मेथड बोलते हैं। एक होता है इंटीग्रेशन वाला कैलकुलस मेथड, ध्यान से समझ लेना। वही सेम वर्क एनर्जी थ्योरम में लगेगा। वही सेम किस में लगेगा जी? वर्क एनर्जी थ्योरम में। कैलकुलस मेथड
मास एम है, यू वेलोसिटी है इनिशियली, ये डिस्टेंस एस है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, छोटा डिस्टेंस मान लो डीएस है, एस की जगह क्या लिख लो जी डीएस, फोर्स एफ अप्लाई हुआ है जी, तो अगर फोर्स एफ वेक्टर और डीएस वेक्टर आपस में क्या है जी पैरेलल, तो मतलब थीटा क्या हो गया जी जीरो, वर्क डन का फार्मूला क्या था जी एफ डॉट एस छोटा है तो डीएस भी आ जाएगा, एफ डीएस कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या हो जाता है जी वन, फोर्स को क्या लिख सकते हैं जी मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की फार्मूला डी वी बाय डी टी, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है जी डी वी बाय डी टी, एम डी वी बाय डी टी इंटू डी एस, तो डी एस बाय डी टी क्या हो जाएगा एम डी एस बाय डी टी क्या हो गया भाई वी, डी डब्ल्यू एम वी डी वी, टोटल वर्क डन के लिए क्या कर देंगे जी इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन के लिए क्या कर देंगे जी इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से इंटीग्रेट कर रहे हैं, वेलोसिटी की लिमिट डलेगी, इनिशियल जीरो है, फाइनल कितनी है जी वी, इनिशियल क्या है जी जीरो, फाइनल क्या है जी वी, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है जी इसमें, तो यहां पर क्या आ जाएगा जी एम बाहर आ जाएगा, पावर वन है, हाँ जी अबे भाई क्या होगी जी पावर वन है तो हाँ वन वन प्लस वन होगी, अरे भाई जीरो अभी कराया दो मिनट पहले, वन प्लस वन टू अपॉन वन प्लस वन टू लिमिट जीरो टू वी, अभी आशीष को कह रहा था कि मेरे को तो आ जाता है एम वी स्केयर माइनस जीरो का स्केयर, वर्क डन क्या हो जाएगा जी हाफ एम वी स्केयर, हाफ एम वी स्केयर, स्टार्टिंग से लिखना है लिख लो जी फटाफट, कल इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होने जी इसके, और दो डेरिवेशन हो जाएंगी शायद कल इम्पोर्टेंट, ठीक है जी, लॉज ऑफ मोशन की असाइनमेंट करी भाई किसी ने दे रखी है, कब होंगी भाई जब जेई का पेपर आ जाएगा, नीट का पेपर जो हमने रखा हुआ है 6 अगस्त पे, हाँ जी होंगे जी,
धन्य जी चलें आगे, नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू, या वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन कनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन कनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसके बराबर है जी? चेंज इन कनेटिक एनर्जी। प्रूव करेंगे, सिंपल मेथड है, बुक से समझा रहा हूं जी, ध्यान से समझना। कैलकुलस मेथड वाला कर ही लिया टाइप, वैसे उसमें ग्रेट। हाँ जी, सपोज द कांस्टेंट फोर्स लग रहा है बॉडी पे, बॉडी ये है जी हमारा, फोर्स एफ लग रहा है जी कांस्टेंट, बॉडी का मास एम है, बॉडी मूव कर गई जी, ठीक है जी, एस डिस्टेंस, पहले इनिशियल वेलोसिटी यू थी, बाद में फाइनल क्या होगी जी वी, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है जी, एम बाय टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम बाय टू से मल्टीप्लाई करा, एम बाय टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जी, एम बाय टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जी, हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया जी फाइनल कनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर क्या हो गया इनिशियल कनेटिक एनर्जी, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया जी फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जी वर्क डन इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई विच इज चेंज इन कनेटिक एनर्जी। नोट करना कर लो, अदरवाइज ये कभी आता नहीं है जी, कैलकुलस मेथड ही आता है, वो भी होमवर्क रहेगा आपका कैलकुलस भी, क्योंकि पिछले वाला टाइप ही है, अब लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे जी, पिछले वाला टाइप ही है, यू जीरो था पीछे, अभी कराऊंगा, देखते रहना बस, ये नोट करना कर लो जी, 2 मिनट कुछ लिखना लिख लो, अदरवाइज कुछ नहीं। ये तो सिंपल सा है, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस है, एम बाई टू से क्या कर दिया जी दोनों तरफ मल्टीप्लाई। चलिए जी आगे देखो जी, सेम वही डायग्राम है, सेम सब कुछ है, यू जीरो नहीं रहेगा, बस पहला स्टेप चेंज क्या आएगा, दूसरा जब आप इंटीग्रेशन करने लगोगे तो लिमिट जीरो नहीं होगी, अब
लिमिट क्या नहीं होगी जी, जीरो यू हो जाएगा जी, बस इतना सा चेंज है भाई, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। वहां वर्क डन किसके इक्वल आ गया था लास्ट में लिख देना उधर, स्टेप वर्क डन किसके इक्वल था, कनेटिक एनर्जी। यहाँ क्या आ जाएगा, के एफ माइनस जी के आई, तो यही है जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन कनेटिक। सेम डेरिवेशन है जी, सब कुछ सेम है जो लास्ट में कराई, बस जीरो की जगह क्या आ गया भाई, यू जीरो की जगह क्या आ गया जी। सुबह भी मॉर्निंग वालों को भी होमवर्क ही दिया ये करने के लिए, ठीक है जी, तो ये घर से ही करके लाना है, बस कर लेना है क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, ये वाला वर्क एनर्जी थ्योरम। जी बस ये कैलकुलस मेथड से जो करना है हमें, धन्य जी चले आगे, कोई डाउट? देखो जी, रिलेशन बिटवीन कैनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। हाँ, इसके लिए एक पेज छोड़ दो जी, एक पेज में हो जाएगा, घर से याद करके लिख लाना है, होमवर्क में लिख लेना जी आप, ये कैनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम का कैलकुलस मेथड है। चलिए जी आगे, रिलेशन बिटवीन कैनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, के और पी के बीच में रिलेशन। कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, 2m से दोनों तरफ क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो गया, पी स्क्वायर 2mk, p इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2mk। और k क्या आ गया जी, p स्क्वायर बाय 2, k क्या आ गया जी, p स्क्वायर बाय 2। देखो जी दोबारा समझ लो, किनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो के क्या है, फार्मूला क्या है जी, किनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, 2m से क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई दोनों तरफ 2m से मल्टीप्लाई करा था, 2mk इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, 2mk क्या हो गया जी, पी स्क्वायर, पी क्या हो गया जी, अंडर रूट 2mk, पी क्या हो गया जी, अंडर रूट 2mk। समझ आ गया जी, देख लो जी, कोई डाउट है तो? एम अरे 2m से मल्टीप्लाई करा, m भी तो है, एक m तो पहले ही था। देखो जी 2m से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, स्क्वायर कैन ना ना टू एम एम के हो गया जी, 2m से इधर मल्टीप्लाई करा, दूसरी तरफ 2m से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट गया, एम इंटू एम एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर, डन है। नेक्स्ट आ जाओ जी, क्वेश्चंस करेंगे, नंबर 1 एस एल अरोड़ा की करेंगे, फटाफट निकाल लो पेज नंबर। सिक्स पॉइंट टेन पेज पे फटाफट। जी
ओके बताना 6.10। अभी बॉडी ऑफ मास 4 kg इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्ट टू अ फोर्स 16 न्यूटन। फोर्स कितना है जी? 16 न्यूटन। What is the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 second? देखो जी सिंपल सा है, v is equal to u plus at होता है। तो पहले एक्सेलरेशन निकालो, फोर्स लग रहा है 16, मास कितना है 4। देखो जी फोर्स का फार्मूला क्या है जी, ध्यान से समझ लो, फोर्स होता है ma, तो a क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना दे रखा है भाई 16, मास कितना दे रखा है 4, कटिंग होगी तो कितना आ गया जी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया जी। अब यहां से एक्सेलरेशन आ गया तो v इज इक्वल टू क्या है जी, u प्लस at। t कितना दे रखा है जी 10 सेकंड, u 0 है, u कितना है जी 0, तो v क्या आ जाएगा 4 × 10 40 मीटर पर सेकंड। 4 × 10 40 मीटर पर सेकेंड। दाना जी उसके बाद क्या आ जाएगा जी, काइनेटिक एनर्जी पूछी उसे, काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर लो जी। हाँ एफ एम बी स्क्वायर लगा दो। सेकंड क्वेश्चन करो जल्दी से फटाफट। पढ़ो जी सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट जी। हर्ष जी मिल के जाना आप मुझसे। हाँ जी बोलो, रीड करो फटाफट। टॉयर ऑफ मास 0.1 kg हैज स्मॉल क्यूब ऑफ मास 0.8 kg। एक टॉय रॉकेट है उसका मास कितना है 0.1 kg, फ्यूल का मास कितना है 0.02 kg, ठीक है जी, और उसने स्पीड कितनी ले ली जी, 3 सेकंड, टाइम 3 सेकंड में सारा फ्यूल बर्न आउट हो गया, और उसने स्पीड कितनी एक्वायर कर ली, 20 मीटर पर सेकंड। तो थ्रस्ट पूछा है, थ्रस्ट का मतलब क्या है जी, फोर्स। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है जी, फोर्स। तो रेस्ट पे था पहले यू जीरो, ठीक है जी, एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, एक्सेलरेशन का फार्मूला वी माइनस यू बाई टी कहाँ से आया जी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है जी, तो वी माइनस यू बाई टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन डाल दो जी 20 − 0/3, एक्सेलरेशन क्या आ गया जी 20/3, तो अब हमारा क्या आ जाएगा जी, हमारा फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है पॉइंट पॉइंट वन, पॉइंट वन है तो 220/3, पॉइंट से ये कैंसिल हो गया, 2/3 का मतलब 0.67 न्यूटन कह सकते हो आप।
एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट फ्यूल पूछा ना जी, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट फ्यूल मास ऑफ द फ्यूल, क्या लाइन है पढ़ो जरा फटाफट। व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल? हाँ जी, व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम भी कह सकते हो या कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल। तो एनर्जी निकालनी पड़ेगी, एनर्जी का फार्मूला भाई कनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। पहले एनर्जी निकाल लोगे, फिर उसको फ्यूल के मास से क्या कर देना है जी, डिवाइड। उसको फ्यूल के मास से क्या कर देना है जी, राइट। ये जो होगी नंबर को सेकंड को डन जी। पहले एनर्जी तो पूरे किसे निकालनी है, एनर्जी तो कैसे निकलेगी, हाफ इंटू पॉइंट वन इंटू वी का स्केयर, 20 का स्केयर कितना हो जाएगा, 400। ठीक है जी, ये कितना आ गया जी, 20 आ गया। किनेटिक एनर्जी तो 20 जूल आ गई, पर जो हमें निकालना है वो क्या है जी, एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। तो 20 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द फ्यूल, ये 100 ऊपर चला गया जी, 2 से 2 कैंसिल, 1000 आ गया जी, 1000 जूल पर केजी, 1000 जूल पर केजी। धन्य जी चले आगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो जी जरा फटाफट। टेन ग्राम इज फायर विद अ वेलोसिटी ऑफ 800 न्यूटन पर सेकंड। बुलेट है 10 ग्राम की, फायर करी जी 8 मीटर पर सेकंड की, एक मड प्लैंक से वो पास करी, 1 मीटर थिक थी, ठीक है जी। और जैसे ही पास करके निकली तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 100 मीटर पर सेकंड। तो क्या निकालना है जी, लास्ट में क्या पूछा है जी, एवरेज रेजिस्टेंस एवरेज रेजिस्टेंस का मतलब यहां समझने की बात है, मतलब रेजिस्टिव फोर्स पूछा है। क्या पूछा है जी, एवरेज रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ क्या पूछा जी, रेजिस्टिव फोर्स। दो मेथड है, एक तो 1D के मेथड से आप लॉज ऑफ मोशन में जो हमने करा उससे कर सकते हो जी, सीधा वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2A, यहां से A निकल जाएगा, V पता है, U पता है, S पता है, A निकल जाएगा। दूसरा मेथड वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, के एफ माइनस के आई, यही है जी। तो एफ निकालना है सीधा, के एफ माइनस के आई अपॉन एस, इससे भी आ जाएगा, हाफ एम कॉमन आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय ये एस हमारे को गिवन है, ये जल्दी शॉर्ट पड़ेगा जी, 2 × 10 की पावर ग्राम, 10 ग्राम था जी, तो 10 की पावर -2 kg हो जाएगा। फाइनल कितना है, 100, 100 का स्क्वेयर माइनस 800 का स्क्वेयर अपॉन एस क्या है जी, 1 मीटर। एस क्या है जी,
एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर 4 हो जाएगा, कॉमन भी जा सकता है, 64, 40 हो गए जी, कितना आ जाएगा जी, हाफ इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 4 कॉमन ले लिया, 1 - 64, ये कटिंग होगी, 63 आ गया जी, माइनस इंटू 10 की पावर 2 बाय 2 -31.5। अरे डन है जी, कोई डाउट इसमें? होगी जी, कोई यस सर, बुक में आल्सो पावर है ना, और रेजिस्टिव फोर्स है भाई, तो यस सर। पॉजिटिव, उसने रेजिस्टिव बोल दिया ना, आना तो नेगेटिव ही है। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या? अपोज, नेगेटिव आएगा, पर जब भी उसने लिख देता है तो फोर्स का साइन नहीं लगाता वो। जब क्वेश्चन में रजिस्टिव, मैंने पहले भी बताया लॉज ऑफ मोशन में कि भाई रजिस्टिव लिख दिया तो वो साइन नहीं लगाएगा। एक क्वेश्चन हमने करा था वो डी एक्सेलरेशन वाला, जब डी एक्सेलरेशन क्वेश्चन में लिख दिया तो वो नेगेटिव साइन आंसर में नहीं लगाएगा। हाँ पूरा 10 की पावर 4 के से अरे वो अरे 100 का स्केल करेंगे तो भाई कितना हुआ? तो 100 का स्केयर 10 की पावर 2 का स्केयर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4। ठीक है जी, इधर भी लिख सकते हैं 10 की पावर 4, तो ये भी 10 की पावर 4 कॉमन निकाल दिया बाहर। वो कहाँ नहीं है 10 की पावर -2 जैसे वाली वो पर? वहां पे 10 ग्राम था भाई, 10 ग्राम को केजी में करूंगा तो क्या हो जाएगा? केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -2 केजी हो जाएगा। समझ आया? थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। ऊपर वेलकम जी वेलकम। वो जी अगला क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। हो गया था? नहीं एक मिनट, फिफ्थ करो जी, फिफ्थ। कल इसके क्वेश्चन भी और डिस्कस करूंगा, अभी तो मैं आगे टॉपिक करा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। बस एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक रहेगा जी हमारा, और कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव दो टॉपिक और सुबह कराए थे। इसके बाद
हाँ जी, क्या क्वेश्चन है जी? पहले बताओ फटाफट। मास दिया हुआ है। हाँ ग्राम जी, मास 50 ग्राम है जी। ग्राम इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। थिकनेस हाँ, डिस्टेंस हो गया एक तरह से थिकनेस ऑफ द प्लैंक। टू 2 सेंटीमीटर। बुलेट सेंटीमीटर एमर्जीज कितनी परसेंट? 10% से बाहर जब निकली तो फाइनल कनेटिक एनर्जी कितनी थी? 10% ऑफ इनिशियल। तो स्पीड पूछिए, कितनी स्पीड से निकली? तो इनिशियल निकाल सकते हो जी, कनेटिक एनर्जी हाफ इंटू यस 50 इंटू 10 की पावर -3। हाँ, ग्राम में मास करके दिया। हाफ इंटू 50 इंटू 10 की पावर -3 केजी में कर दिया जी। 200 का स्क्वायर ये 25 हो गया जी। फोर इंटू 10 की पावर 4 ये 1 आ गया जी। ये 1000 जूल आ गया। फाइनल क्या हो जाएगा? 10%। ये तो इनिशियल है, फाइनल क्या आ जाएगा जी? 10% ऑफ इनिशियल। 10/100 इज इक्वल टू 1000। फाइनल क्या हो जाएगा जी? 100 जूल। फाइनल क्या हो जाएगा जी? 100 जूल। समझ आया जी? अब यहां से आपको क्या निकालना है जी? बी निकालना है। कैसे निकलेगा जी बी? फाइनल वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 200 इज इक्वल टू 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू वी स्क्वायर। ये कटिंग हो गया 4000 आ गया। वी स्क्वायर है ना जी, वी कितना आ गया जी? 20√10। √10 की वैल्यू 3 पॉइंट कुछ होती है, तो 60 कुछ आ जाएगा जी। √10 की वैल्यू 3.16 या 1 ऐसी वैल्यू है। ठीक है जी, 60s में आंसर। डन है जी, चले आगे। अब एक 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे, फिर अपना पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। एक 19th कल कराऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी करने हैं जी। और एक लास्ट वाला जो इंक्लाइंड प्लेन वाला है, वैसे तो सारा करा दिया फ्रिक्शन में इंक्लाइंड प्लेन आपको अच्छी तरह से। इसके अगले पेज पे 23 नंबर क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन का है। होमवर्क में 19 छोड़ के बाकी सब ट्राई कर ली, कह देना जो रह गए हैं सॉल्व। 19th में इंटीग्रेशन होनी है, कल कराऊंगा जी, अच्छी तरह से समझाऊंगा। चलें जी आगे। 21 नंबर देखो जी क्वेश्चन। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है जी, पहले मोमेंटम पी था, सपोज कर लो पहले मोमेंटम पी था,
अब 20% मोमेंटम बढ़ गया, तो पी डैश क्या हो जाएगा, पी प्लस 20/100 पी, तो पी प्लस 0.2 पी, 1.2 पी, पी डैश हो जाएगा किनेटिक एनर्जी के है। अब के डैश क्या हो जाएगा जी, देखो जी के का फार्मूला पी स्केयर बाय 2m था, अभी कराया पी स्केयर बाय 2m, के डैश का फार्मूला क्या हो जाएगा, पी डैश का स्केयर बाय 2m, 1/2m, 1.44 पी स्क्वायर, 1.44 पी स्क्वायर बाय 2m, तो के डैश क्या आ जाएगा, 1.44 के, तो डेल्टा के बाय के परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्या होगा जी, इंटू 100 इंटू 100 हाँ जी, के डैश माइनस के बाय के इंटू 100, के डैश क्या है जी, 1.44 के माइनस के बाय के इंटू 100, ठीक है जी। तो यहां पर 0.44 के बाय के आ जाएगा, के से के कैंसल, इंटू 100 डेल्टा के बाय के परसेंटेज 44%, 44%। स्टार्टिंग से हाँ जल्दी करो जी, फिर टॉपिक भी है दो। चलें जी आगे।
हो गया जी। अच्छा हाँ जी हो गया जी। चले आगे लिखो जी। अगला पोटेंशियल एनर्जी लिखो जी फटाफट। पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन एंड कॉन्फिग्रेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन एंड कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। लिखो जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तीन टाइप की है वैसे, ग्रेविटेशनल इलास्टिक और इलेक्ट्रिक टाइप्स में लिखा हुआ है जी बुक में। ग्रेविटेशनल इलास्टिक एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें हमारा सबसे पहला टॉप पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहला है जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो जी सिंपल सा है, कंसीडर वगैरह आपने लिखना है यहां से थोड़ा सा। देखो जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना अर्थ के सरफेस से ऊपर है, पहले तो डेफिनेशन लिख लो जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी due to its position above the earth surface done ji koi doubt। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम वेट एम जी। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम वेट एम जी इफ द बॉडी हैज टू बी डिस्प्लेस्ड a height h, if the body has to be displaced at height h
अबव द ग्राउंड, हाइट एच अबव द ग्राउंड वर्क डन टू डिस्प्लेस द बॉडी इज इक्वल टू एफ इन टू एच. To displace the body is equal to F into H. कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? एम जी. तो वर्क डन एम जी एच. दिस वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा जी? दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज अ पोटेंशियल एनर्जी. तो स्टोर्ड एनर्जी भी बोलते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया था अभी आयुष जी ने. ये वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा जी? पोटेंशियल एनर्जी. तो इसको स्टोर्ड एनर्जी भी बोलते हैं. नेक्स्ट है जी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहते हैं जी? देखो जी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. नंबर वन कंजर्वेटिव फोर्स. नंबर वन क्या है जी? कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या रहेगा जी? देखो जी, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड. वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड. वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड. पाथ फॉलोड पे डिपेंड ही नहीं करता वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स. मतलब किसी भी पाथ से चले जाओ वर्क डन क्या रहेगा जी? सेम. जैसे ए टू बी जाना है मुझे, एक तो ये सीधा रास्ता है, एक ऐसे गए ऐसे गए, ठीक है जी, एक ऐसे चले गए. किसी भी पाथ से चले गए वर्क डन तीनों पाथ से क्या रहेगा जी? सेम. तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं जी? कंजर्वेटिव. वर्क डन अगर किसी भी बात से अगर आप जा रहे हो, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या रहते हैं जी? सेम. एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स. एग्जाम्पल क्या है जी? ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्लस टू में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलास्टिक मतलब स्प्रिंग फोर्स. इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स अभी पढ़ेंगे जी अगले चैप्टर अगली क्लास में ही. इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स. इलास्टिक या स्प्रिंग फोर्स. ग्रेविटेशनल का एग्जांपल दिया हुआ जी एक बुक में. ट्यूजडे तक चैप्टर खत्म हो जाएगा जी.
स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसकी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट बुकलेट लो भी एक बार कल सर से रिव्यू करेंगे। टेस्ट का केमिस्ट्री का सिलेबस कितना है जो आना है 6 तारीख को? एक चैप्टर बचा हुआ अच्छा, तो देखते हैं कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं सिलेबस फिफ्थ मैथ्स का। ठीक है जी, क्या क्या आना है फिर चैप्टर में? क्वाड्रेटिक भी आ रहा है, वो पुराना है पहले का कि नया है? अच्छा फिर तो बहुत पीछे हो भाई, फिर तो बड़ा पीछे चल रहा है काम। तो देखते हैं जी, फिर एक वीक का गैप देंगे, फिर 13 को आपका गिव रहेगा जी ए वाला, फिर वो 30 को बता देंगे, कंफर्म बता देंगे या थोड़ा सा पहले। ठीक है जी, ये वाला तो फिजिक्स का तो हो जाएगा जी, अपना सिलेबस तो ट्यूसडे तक खत्म है, बाकी तो रिवीजन चलेगी 1-2 दिन। ठीक है जी, आओ जी एग्जांपल देखो, बुक में ऐसे दे रखा है मास है, मैं उसको एक तो सीधा लेके जाना है एच हाइट पे, तो कितना वर्क डन हुआ जी, एम जी एच अभी करा था और एक सीडी के थ्रू लेके जाना, उसने तो 2 ही दिखा रखी है, वैसे मैंने 4 दिखा दी थी सीढ़ियां। ठीक है जी, कितनी हाइट पे जाना है एच, ये एच डैश है, हर एक की हाइट सेम है एच डैश, ये भी एच डैश है, ये भी एच डैश है और ये भी एच डैश। देखो जी दो चीजें हैं, एक तो ये डिस्टेंस एक्स है, हर एक का एक्स है, तो वर्क डन क्या है एम जी एच डैश एक सीडी पे प्लस एम जी एक्स इंटू कॉस 90। कल करा था क्वेश्चन याद हो, वो बाल्टी को बकेट को ऊपर लेके जा रहा था और हॉरिजॉन्टल भी जा रहा था, जब हॉरिजॉन्टल जाएगा तो वर्क डन क्या है जी 0। देखो जी वेट एम जी नीचे लग रहा है, वेट एम जी कहाँ लग रहा है जी नीचे, और जब आप इधर जाओगे तो एंगल कितना हो गया भाई 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, जब ऊपर की तरफ जाओगे तो एंगल कितना है 0, कॉस 0 1, तो एक एक सीढ़ी चढ़ने में कितना हो गया जी एम जी एच डैश, एन सीढ़ी होती तो एन इंटू एम जी एच डैश, टोटल हाइट क्या है जी एन इंटू एच डैश, वर्क डन क्या हो जाएगा एम जी इंटू एन एच डैश, तो वर्क डन क्या आ गया जी एम जी एच, मतलब किसी भी पाथ से चले जाओ वर्क डन क्या रहेगा जी सेम। तो यही हमने बताया जी, यही क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, बुक में दिया हुआ एग्जांपल, बुक से पढ़ना है बुक से पढ़ लो। ठीक है जी, ये नोट करना है नोट कर लो जी, बस लास्ट डेफिनेशन है नॉन कंजर्वेटिव, फिर छुट्टी आज के लिए इतना ही है। हाँ जी एच डैश है,
चलिए जी आगे। हाँ होंगे जी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव में क्या लिखवाया था जी? वर्क डन किस पे डिपेंड करता है जी? हाँ, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलो। तो नॉन कंजर्वेटिव में क्या रहेगा जी? वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलो। लिख लो जी फटाफट। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या रहेगा जी? वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। वर्क डन डिपेंड्स ऑन द वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। एग्जाम्पल है इसके आपका फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जाम्पल क्या है जी? फ्रिक्शनल फोर्स विस्कस फोर्स एटसेट्रा। ठीक है जी। फोर्स की बात क्या है? विस्कस फोर्स एटसेट्रा। चलो जी छुट्टी है जी।